उम्स धोनी एसएस धोनी टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान रहे हैं और उनकी क्रिकेटिंग अनुभव का इस्तेमाल अब बीसीसीआई भारतीय टीम को और बेहतर बनाने के लिए करना चाहती है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ऐसा माना जा रहा है कि धोनी को T20 सेटअप में अहम रोल दिया जा सकता है। ICC इवेंट में एक बार फिर से फेल होने के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI उस पूर्व खिलाड़ी का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार दिख रही है जिन्होंने इस देश को दो बार वर्ल्ड चैंपियन 2007 2011 बनाया। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय टीम के फेल होने के बाद BCCI अब भारतीय T20 के सेटअप में MS धोनी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपना चाहती है और इसके लिए SOS भेजने के लिए तैयार है। BCCI के सूत्रों के मुताबिक बोर्ड भारतीय क्रिकेट में स्थायी भूमिका के लिए धोनी को बुलाने पर विचार कर रहा है। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार BCCI को लगता है कि हेड कोच राहुल द्रविड़ के लिए तीनों प्रारूपों के प्रबंधन का भार बहुत अधिक है। यही कारण है कि BCCI कोचिंग भूमिकाओं को विभाजित करने पर भी विचार कर रहा है। बोर्ड T20 प्रारूप में धोनी को शामिल करने और भारतीय क्रिकेट टीम के स्तर को ऊपर उठाने के लिए उनके क्रिकेटिंग ज्ञान का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहता है। रिपोर्ट के अनुसार इस मुद्दे पर इस महीने के अंत में एपेक्स काउंसिल की बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो धोनी शामिल करने और भारतीय क्रिकेट टीम के स्तर को ऊपर उठाने के लिए उनके क्रिकेटिंग ज्ञान का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहता है। रिपोर्ट के अनुसार इस मुद्दे पर इस महीने के अंत में एपेक्स काउंसिल की बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो धोनी को T20 सेटअप के लिए डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है।